गार्ड साहब, गार्ड साहब, कल ऐसे ही एक फोन मेरे पास न्यू आगरा से आया। न्यू आगरा में एक LIC बिल्डिंग है, वहां से मेरे को फोन आया। तो जब मैं वहां पर पहुंची तो वहां पर मैंने देखा कि एक गार्ड जो है वो अपने हाथ में डंडा लेकर के कुत्तों को पीट रहा था, बुरी तरह मार रहा था। तो इसी वाली बिल्डिंग में, LIC वाली बिल्डिंग में, दो दिन पहले या तीन दिन पहले ही मेरे पास पहले फोन आया था। तब मैं टाउन में नहीं थी, मैं बाहर थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई। मेरे को फोन आया था कि एक गार्ड ने जो है कुत्ते को जान से मार दिया क्योंकि उसने LIC बिल्डिंग के सामने पॉटी कर दी थी। अब कल जब मैं पहुंची तो बिल्कुल सिमिलर केस था, वो डंडों से मार रहा था। मेरी उससे बात हुई, उसने मेरे को सीधा ही उसी डंडे से पीटने की कोशिश की, इनफैक्ट थप्पड़ भी मारने की कोशिश की। और फिर मैंने अपने आप को बचाकर उससे डंडा छीना और मैंने भी उसको दो डंडे लगाए कि तेरी हिम्मत कैसी हुई एक औरत पे हाथ उठाने की। और साथ में अगर हम जैसे लोग, एनिमल एक्टिविस्ट, इन जानवरों को बचाने के लिए नहीं जाएंगे तो फिर और कौन जाएगा। और अगर ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे मेरे साथ ये हुई कि मेरे साथ मेरी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, और इस जो गार्ड था इसने अपने किसी दोस्त को बोल दिया कि वीडियो बना, और उसने मेरी सारी वीडियो बनाई। अब या तो ये गार्ड पिया हुआ था, साथ में इसका दोस्त भी पिया हुआ था, और या फिर ये गार्ड मेंटली रिटार्डेड है क्योंकि इसने कल मेरे सामने चीख चीख के बोला कि मैं 100 कुत्तों को मारूंगा, जो उखाड़ सकती है उखाड़ ले। और साथ में इसने ये भी धमकी दी कि सारा पुलिस प्रशासन मेरे हाथ में है, मैं आर्मी का हूं और मैं नगर निगम से कह के सारे कुत्ते उठवा दूंगा। मैं नगर निगम में एक कॉल करूंगा, वहां पे सारे अधिकारियों को मैं जानता हूँ। इसने ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी धमकियां मेरे को दी, फिर भी मैं इसकी एक भी धमकी से नहीं डरी और मैं इसको हड़का करके आई। और अब जो है आज मुझको पता चलता है कि इसने जो वीडियो बनाई थी वो इसने डाल दी। इसीलिए मैं अपने आप पॉइंट रखते हुए ये वीडियो बना रही हूँ और आपको बताती हूँ कि ये गार्ड बिल्कुल बददिमाग है, जानवरों पे क्रुएल्टी करने वाला है। और दूसरा, यही LIC वाली बिल्डिंग में पहले भी एक, अभी 4-5 दिन एक गार्ड ने कुत्ते को जान से मार दिया, जो कि पूरी कॉलोनी वाले गवाह है इस चीज के। और फिर ये कल एक घटना घटी है जो कि हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और अगर हमको कहीं किसी से भी, किसी भी मंत्री से मिलना पड़े तो हम उसी वहां उस मंत्री से मिलेंगे और इस वाले गार्ड को सबक सिखा के रहेंगे।